क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 10वां है और हमारी तीसरी बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ आपके लिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई बुक की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है सपोर्टिंग मटेरियल से, इस्तमरारी बंदोबस्त कौन से वर्ष लागू किया गया? तो आंसर है हमारा यहाँ पे 1793 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अगला है इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो कौन थे? तो आपने कॉर्नवालिस पढ़ा है एनसीईआरटी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए। कहने की राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदार का जो अधिकारी आता था उसे किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इसको शायद अमला कहा जाता था, ठीक है, अमला। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बंगाल में धनी किसानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जोतदार थे। ये आपने पढ़ रखे होंगे, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट जो थी वो ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो ये 1813 में की गई थी। अगला है कि पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो यहाँ पे देखिए झूम खेती, लेकिन आपको कई जगह पे इसको स्थानांतरित लिखा मिलेगा, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों एक ही होती है, आपको याद रखना है झूम खेती, और अगर पेपर में स्थानांतरित आए तो कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ियां जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे? तो वो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे। कौन से इलाके को संथालों की भूमि घोषित किया गया था? दामिनैक को। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही आसान है, थर्ड बुक यहाँ पे एमसीक्यू अभी तक जो मैंने देखे हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं अगर आपने पढ़ा है तो। 19वां क्वेश्चन है, लेखा भैया जलाने का जो काम हुआ था वो कौन से गाँव से शुरू हुआ था? तो ये गाँव था सूपा, बट यहाँ पे टाइपिंग का एरर है, इसको आप सूपा कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि ब्रिटेन का कौन सा शहर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मशहूर था? तो ये हो जाना चाहिए मैनचेस्टर। तो ये तो थे हमारे सपोर्टिंग मटेरियल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे जो मैंने बनाया है एनसीईआरटी से। इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप इन्हें याद जरूर कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति जो संघ था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1857, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप अगला प्रश्न देखिए, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई थी? तो ये होगा 1859, 1859। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये है सन 1861 में, ठीक है, 1861 याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने संकट के समय किस शहर से कपास की आपूर्ति शुरू की? अमेरिका ने संकट के समय किस शहर से शुरू की थी? तो इसका आंसर बंबई होना चाहिए, बंबई दक्कन। बाकी एक बार आप मुझे कंफर्म बताइए कमेंट में, अगर मैं गलत हूं तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, बी है इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब शुरू हुआ था? तो ये है आज आज आपके लिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन है आपके लिए पहला, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग 9-10 क्वेश्चन यहाँ से कराए हैं और बाकी वहां से कराए हैं, तो इसमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, पर आपको ये क्वेश्चन याद करके रखने हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक टाइपिंग का मिस्टेक है, ये जो आया लिखा हुआ है ना ये आयात होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आयात कर देता हूँ। अब पढ़िए एक बार, 1862 में कितने प्रतिशत कपास आयात भारत से होने लगा था? ठीक है, तो जितना भी मतलब कपास बाहर से होता था उसका 90% जो भाग था वो केवल और केवल भारत से हो रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है आज की वीडियो से, इसका आंसर आपको बताना है। जहां व्यापारी और साहूकार रहते थे उस क्षेत्र को क्या कहते थे? इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त जब लागू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आई थिंक ये सपोर्टिंग में भी था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि बंगाल सरकार के अनुरोध पर वहां की जमीनों का सर्वेक्षण जो किया था वो किसने किया था? तो ये बुकानन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बुकानन ने बंगाल में किस पद पर काम किया? ठीक है, तो बुकानन देखिए क्या था, ये एक चिकित्सक था और ये आया था बंगाल में चिकित्सा सेवा में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बॉक्स आप देखिए पेज नंबर 266 में
इम्पोर्टेंट है, बुकानन के बारे में पढ़ लेना, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में वहां से क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पे हमारा जो 10वां चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, और अब बचे हैं हमारे इस आगे के चैप्टर 11, 12, 13, 14 और 15। उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी ही हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।